सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर देने वाली है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन मेवात इलाके में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेवात के जो ड्राइवर हैं उनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। उनको जगह जगह रोक करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सतवाड़ी गाँव में। राजस्थान के सतवाड़ी गाँव का सैकुल नाम का एक ड्राइवर है जो कहीं ना कहीं गाड़ी चलाता है, और उनके साथ मारपीट की गई। लाठी डंडों से उनको इतनी बेरहमी के साथ मारा गया कि अब उनका चलना फिरना पूरी तरीके से दुश्वार है। आप इन तस्वीरों में भी देखेंगे किस तरीके से दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं, क्योंकि इनका मांस पूरी तरीके से फट गया है, ये खुद सैकुल का कहना है। खैर, जैसे ही सैकुल के साथ जो वारदात हुई इसके बारे में जब जानकारी मिली है तो पूरे गाँव में, पूरे परिवार में मातम सा पसरा हुआ है और सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास एकमात्र जो कमाई का सहारा है वो है ड्राइविंग। गाड़ी चला करके ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हालांकि सैकुल के साथ क्या वारदात हुई है वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सैकुल, ये बताइए कि कहाँ पे ये घटना हुई है, किन लोगों ने आपको मारा है? कोटपूरी पार करके पुल बन रही तो वहाँ जाम लग रहा, जाम लगने के बाद पुलिस वाले तो गाड़ी रुकवा लेते हैं। गाड़ी नंबर देख के एक लाइट मारता है गाड़ी की बॉडी पे, तो उस पे हरियाणा नहुमीवात लिखता है। आपकी गाड़ी पे जी लिखा हुआ था? हाँ जी। तो उसने जो चीज मेरे से मांगी, लाइसेंस मिलती, मतलब जो चीज मांगी थी सब दे दी थी, मोबाइल छिना लिया था, तो मैं नीचे उतार दिया। तो उसने उतरते ही मेरे से ये बोला था कि मेवात में गाड़ी कितनी जलाई थी तुमने? मैंने बोला था मेरे घर से गए कम से कम 18-19 दिन हो गया, मेरे को तो कुछ पता नहीं। तो फिर उसने ये भी बोला था कि इसको पटको, गाड़ी में ले चलो, नूह चल के गाड़ी में आग लगाएंगे, फिर मार पिटाई चालू करेंगे। लाइसेंस तोड़ दिया, मेरे पास उस गाड़ी का नंबर भी है। मतलब आप में जिंदा जलाने की लोगों ने कोशिश करी कि आपको जिंदा जला दिया जाए? हाँ, उसने यही बोला था कि जैसे मतलब गाड़ी ले चलो, गाड़ी में चल के वहाँ आग लगा देंगे। हाँ। अच्छा, कितने लोग थे जो आपके साथ मार पिटाई कर रहे थे? जी 10 बंदे थे। 10 बंदे थे गाड़ी में? हाँ जी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारा जी? एक ने पकड़ा था, चारों ने मारा था। किस चीज से? लाठियों से मारा था। कहाँ मारी लाठी? पैरों में मारी। पैरों में मारी। अब हिल नहीं रहे, चल नहीं, अच्छा आप नहीं चला जा रहा है अब? चलो नहीं जा रहा। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? दो बंदे। दो बंदे थे? दोनों ही मारे। दोनों मारे बुरी तरह? हाँ जी, बुरी तरह मारे। वो बंदा कहाँ है दूसरा? दूसरा बंदा पाठ खोल रहे हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम तालीम। तालीम, वो क्या कर रहा था आपके साथ? बैठा था गाड़ी में। गाड़ी में चला रहा था। कंडक्टर था वो? हाँ, सेकंड ड्राइवर था। सेकंड ड्राइवर था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? जी बिलासपुर की भरी पड़ी थी मेरी गाड़ी। अच्छा, और क्या कह रहे थे उस टाइम में जब आपको मार रहे थे? उस टाइम में कुछ नहीं कह रहे थे, यही बोल रहे थे कि इसको ले चलो, ये मेवाती है, इसको मार दो, उधर गाड़ी जला दो, ये कर दो, ये कर दो। हाँ जी। तो आप लोग अच्छा नहीं भाग पाए वहाँ से? भाग नहीं पाए वहाँ, तो हम जी घबरा गए, जैसे हमें मार पड़ी, फिर हमें मार पीट के छोड़ के चला गया। अच्छा, तो आप लोग बेहोश हो गए वहाँ पे? आप बताए थे मैं बेहोश हो गया था। मेरा गाड़ी को दूसरा ड्राइवर लाया था वहाँ से होटल तक। अच्छा, फिर होटल से फिर मैंने किसी और के लिए सुबह जब खड़ा हुआ था, मेरे को पता नहीं था, मैंने कॉल करा था, घर पे भी करा था, लेकिन फिर मैं वहाँ से दूसरा गाड़ी में घर पे आया था। जब आए उन्होंने तो आप जान के मार दिया था तुम लोगों को? गाड़ी बेरहमी से मारा। अच्छा, क्या नंबर था गाड़ी का? गाड़ी का नंबर RJ14UH5485। मतलब राजस्थान नंबर गाड़ी थी वो? हाँ जी। गाड़ी के ऊपर बत्ती लगी हुई थी? बत्ती लगी हुई थी। अच्छा, अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, कब से चला रहे हो तुम गाड़ी? 10 साल हो गए मेरे को। 10 साल से गाड़ी चला रहे हो? तो तुम्हारे पर कोई केस कास कोई ऐसी कुछ? मेरे पर कोई केस नहीं है, ना मेरे पर कोई मुकदमा है, ना मेरे गांव वाले किसी से पूछ लो, कोई ऐसे नौबत नहीं है। अच्छा, सैकुल कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो सिर्फ आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला करके परिवार का पेट पालते हैं? गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चला के नहीं, परिवार पालन पोषण करता हूँ। चलिए, देखिए ये हमारे साथ में सैकुल थे जो कि ड्राइवर हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी चला करके अपने परिवार का
पेट पालते हैं और इनके साथ में जो वारदात हुई है वो हुई है कोटपूतली में, और कोटपूतली में जिस तरीके से इनके साथ मार पिटाई की गई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो ड्राइवर हैं उनके लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा क्या नाम है? नसीब खान। अच्छा ये बताइए कि जो सैकुल क्या लगता है आपका? लड़का है। आपका लड़का है। अच्छा कैसे जानकारी मिली इसके बारे में कि वारदात? क्या बताया? अच्छा तो ऐसा कोई अंदेशा था क्या कि लड़के के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं कोई अंदेशा ना होने दाम का अंदेशा बात हुआ है समझा वो। नहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। अच्छा काफी टाइम से गाड़ी चलाते हैं, पहले कभी वारदात हुई? कभी ना हुई। कोई वारदात नहीं हुई? ना कोई वारदात, ना कोई केस है अपना, कोई काम में कुछ लगता है कोई ना है। अच्छा नूह जिले में 31 तारीख को जो दंगा हुआ था, हिंसा आगजनी हुई, वो उस टाइम पे कहाँ था आपका लड़का? गुजरात में। अच्छा गाड़ी पे था, मतलब यहाँ नहीं था। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? और भाई बहुत परेशान हो गया आप? भाई किसी के संग और साथ तो ना होना चाहिए इस बात, तब जब आप संग होगी बच्चा संग होगी जो संग होगी, और किसी संग ना होनी चाहिए बात। सही बात है। देखिए जिस तरीके की वारदात सैकुल के साथ में और सैकुल के साथ का जो ड्राइवर था तालिम उसके साथ घटी है, उसके बाद से लगातार दोनों ही परिवारों के बीच में एक दहशत का माहौल है और डर के साए के नीचे जी रहे हैं। इनका साफ तौर पर मानना ये है कि जिस तरीके की वारदात हमारे साथ घटी है ऐसी वारदात किसी और के साथ ना घटे, इसलिए सरकार और प्रशासन को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए और जो आरोपी हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खैर ऐसे में आप सबसे भी अपील है कि आप सावधानी बरतें, हमेशा सतर्क रहें, अगर किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन का सहारा लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी भी तरीके की दंगे फसाद की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उनमें संलिप्त ना हो। तो आप लोगों से सिर्फ अपील ये है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और सावधान रखें। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और